अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्केचअप में लाइन टूल से हम क्या क्या ड्रा कर सकते हैं। लाइन टूल से आप 2D शेप्स के साथ साथ उसके अंदर आप 3D शेप भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन टूल आ गया, पेंसिल बना हुआ होगा आपके पास, और आपने क्या करना है कि आपने माउस के लेफ्ट क्लिक करके आपने इसका एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इसका दूसरा पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब आपने इस बेसिकली हम एक स्क्वायर सा ड्रा कर रहे हैं, और जैसे आप यहाँ पे आएंगे दूसरे जो आपका किनारा है उसके जैसे आप करीब आएंगे अपोजिट साइड पे, तो ये आपको एक डॉटेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब ये कि ये उसके बिल्कुल एंड बराबर है। तो ये देखिए, अब ये लाइन टूल से हमारे पास ये एक बेसिक शेप बन गई। अब ये 2D शेप है, अगर हम चाहते हैं कि इसी की हम 3D शेप बनाएं तो वो हम बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हमने इस पॉइंट पे सेलेक्ट किया, हमने ब्लू एक्सिस में यहाँ पे इतनी हाइट पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया हाइट। और याद रखें हाइट हम पैनल की दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से हाइट दे सकते हैं, जितने फुट देनी हो आप उतने फुट उसकी हाइट भी दे सकते हैं। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आई, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये मिड है, ये अपना स्नैप हुआ वही लाइन आ जाएगी ऑटो के साथ। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि लाइनें हमारी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट लाइन है, ताकि फिर आपकी ड्राइंग भी ना एग्जैक्ट बनती है। ये देखें स्नैप ये। अभी हमारे पास 3D शेप बन गई है। अभी हम चाहते हैं कि इस बॉक्स को हम यहां से फिल कर दें, तो ये देखें अब ये हमारे पास फिल हो गया, ये बॉक्स बेसिकली हमारे पास फिल हो गया। और इसी तरह अब हम इस बॉक्स के साथ अगर प्ले करें तो यहां तक कर देते हैं, और यहां तक और फिर हम इसको यहां से बंद कर देते हैं। तो ये देखें लाइन टूल से पहले हमने इसकी 2D शेप बनाई, और 2D शेप बनाने के बाद उसी का हमने लाइन टूल को इस्तेमाल करते हुए इसकी 3D शेप बना दी है। तो लाइन टूल के अंदर आप 2D भी बना सकते हैं और 3D भी बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको लाइन टूल जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।